ओ सॉरी, कैमरा चल रहा है, मुझे याद भूल गया कि मैं कैमरा ऑन ही है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं होशियारपुर में आया हूँ तो मुझे अपनी लव स्टोरी याद आ गई थी। पता नहीं किस्मत कैसी है कि लड़की ने हाँ या ना में कोई जवाब ही नहीं दिया। चलो आज ये बात करते हैं। यहाँ पर आकर अचानक मेरा मन करा कि मैं आपको थोड़ा प्यार के बारे में ज्ञान दूँ। थोड़ा आज मैं लव गुरु टाइप बनना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे जिस लड़के के साथ कोई लड़की सेट नहीं है, लड़की जिस लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो हमें लव गुरु का ज्ञान देगा। चलो देख लो टिप, शायद आपके काम आ जाए। अगर आपके काम आ जाएगी तो इस गरीब का भी भला हो जाएगा, शायद मुझे भी कोई लड़की मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लड़की पटाने के तरीके। देखो कैसे सुमाई लगी सुनकर, लड़की पटाने के तरीके बताने जा रहा हूँ। सचमुच ये फॉर्मूला पक्का काम करेगा, अगर ना काम करे तो भगवान की इच्छा, मैं फिर क्या कर सकता हूँ। हाँ तो फॉर्मूला ये है कि अगर आप लड़की पटाना चाहते हैं ना किसी लड़की से, किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या फिर उससे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में जानना होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को आसानी से किसी ग्राहक को बेच सकते हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड भी आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि दोनों, अब आप पूछोगे वो कैसे, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बातें। ग्राहक को लुभाने के लिए, कोई आपको ग्राहक को सामान बेचना है उसके लिए आपको चाहिए बातें। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी होती है। एडवर्टाइजमेंट वाले भी यही ही तरीका यूज़ करते हैं। और यही है कि अगर आप किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ गुड क्वालिटीज उसको बतानी होगी या दिखानी होगी, आपकी पर्सनैलिटी या फिर अपना रहन सहन। आपके पास थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मेरे जैसे, जैसे मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपका हाल मेरे जैसा हो जाएगा। चलो बाकी ये आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।